टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे स्थित एक नामी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला के पेट में कपड़ा छूट गया। महिला को पेट में दर्द होने के कारण एक और सर्जरी करानी पड़ी और फिर जाकर पता चला कि महिला के पेट में कपड़ा फंस गया था। इस संबंध में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एक नामी अस्पताल के 3 डॉक्टरों के खिलाफ और एक नर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय मृणमयी अजिंक्या दिवेकर को ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस स्थित वर्तक नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले एक जुपिटर नामक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी समय सिजेरियन द्वारा महिला की डिलीवरी कराई गई थी। सिजेरियन होने के बाद डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में दर्द होने लगा। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। महिला ने बार बार अस्पताल के सर्जन डॉक्टर आशुतोष अजगावकर के संज्ञान में लाने की कोशिश की इस मामले को। महिला का आरोप है कि बार बार दर्द की बात कहने के बावजूद भी डॉक्टर अजगावकर इलाज में लापरवाही बरते और दवा देने से मना करते रहे। इस दौरान पेट में दर्द और बढ़ गया जो कि असहनीय हो गया था। इसके बाद महिला का दूसरा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पता चला कि सिजेरियन करते समय डॉक्टर द्वारा उचित देखभाल न करने और लापरवाही के कारण महिला के पेट में कॉटन गेज यानी कि एक कपड़ा फंस गया था जो कि ऑपरेशन के दौरान मिला है। कपड़े ने महिला के पेट, अंडाशय और दाहिनी फैलोपियन ट्यूब को गंभीर नुकसान पहुंचाया है जिसके कारण दूसरी सर्जरी के दौरान मृणमयी की दाहिनी ओर की फैलोपियन ट्यूब को हटाना पड़ा। पीड़ित महिला का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसे ये दर्द सहना पड़ा और समय पर अगर इसका निदान नहीं किया जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। जिसके बाद उसने इस पूरे मामले को ठाणे वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। आपको बता दें कि जुपिटर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर आशुतोष अजगावकर, सहायक सर्जन सुप्रिया महाजन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर चिनम्या गडकरी और ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 308(34) के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन आगे की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणमयी अजिंक्य दिवेकर, सातारा येथे स्थायिक आहे। ठाण्यात जुपिटर हॉस्पिटल येथे डॉक्टर आशुतोष आजगावकर यांच्या अंडर 7 मे 2020 या दिवशी माझ्यावर सिझेरियन ऑपरेशन करण्यात आले। सिझेरियन ऑपरेशन नंतर काही काळ मला बऱ्याच वेदना होत होत्या व उजव्या बाजूला पोटात एक गाठ असल्याचंही जाणवत होतं। ही बाब मी त्यांच्या निदर्शनास आणली, वेळोवेळी आणली, तरीसुद्धा त्यावर योग्य त्या तपासण्या व निदान योग्य वेळेत करण्यात आले नाही। मी स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे हे योग्य नाही हे समजत असून मी स्वतः त्याचा निदान करण्याचा निर्णय करून सोनोग्राफी करण्याचा निर्णय घेतला। सोनोग्राफीत एक्झॅक्टली गाठ किंवा काय ह्याचं निदान झाले नाही म्हणून पोटाचा CT स्कॅन करण्यात आला। पोटाच्या CT स्कॅनवर असं आढळून आलं की पोटात फॉरेन बॉडी आहे म्हणून माझ्या त्वरित दुसरी शस्त्रक्रिया करून ती फॉरेन बॉडी काढण्यात आली। फॉरेन बॉडी म्हणजे सर्जिकल मॉप होता, कापडी मॉप, 10 बाय 10 सेंटीमीटरचा मॉप होता तो। मॉप हा उजव्या बाजूचा अंडाशयाची नळी आणि आतडी यांना चिकटून बसला होता। मॉपच्या खाली भरपूर पू झाला होता। ही बाब माझ्या जीवावर बेतली असती परंतु मी स्वतः डॉक्टर आहे म्हणून याची ह्याचे निदान आणि बाकीचे उपचार हे त्वरित झाले। एखादा डॉक्टर नसलेल्या व्यक्तीच्या ते जीवावर बेतले असते। माझं 3 ह्याच्यासाठी मी गुन्हा दाखल केलेला आहे की माझ्या सिझेरियन ऑपरेशन झाले, कळा चालू झालेल्या असतानाही नॉर्मल डिलिव्हरी करता कुठलाही प्रयत्न न करता माझ्यावर सिझेरियन ऑपरेशन झाले। ऑपरेशन दरम्यान पोटात फॉरेन बॉडी मॉप विसरण्यात आला आणि त्यानंतर वेळोवेळी सांगूनही त्यावर योग्य त्या तपासण्या करून त्रासाचे निदान करण्यात आले नाही जे माझ्या जीवावर बेतू शकले असते। हा असा प्रकार कुठल्याही दुसऱ्या पेशंटच्या बाबतीत होऊ नये आणि मला योग्य तो न्याय मिळावा यासाठी मी
वर्तक नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेला आहे. मी गुन्हा हा डॉक्टर आशुतोष आजगावकर, स्त्रीरोगतज्ञ, असिस्टंट डॉक्टर डॉक्टर सुप्रिया महाजन, भूलतज्ञ डॉक्टर चिन्मय गडकरी व ओटी असिस्टंट नर्सिंग स्टाफ यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला आहे.